Hello students, in today's lecture we are going to learn first standard maths. The concept is let us count the butterflies. Kya likha hai? Let us count the butterflies. As you can see there are two images, one and two images, okay? So look at the first images. Has Yash counted correctly? यहाँ पे पहले यश को काम दिया गया काउंट करने के लिए बटरफ्लाइज को, तो उसने किस तरीके से काउंट किया हम देखते हैं। इसने उसे वन दिया, इसे टू दिया, और यहाँ पे क्या किया, इसने थ्री दिया, फोर दिया, फाइव दिया, सिक्स दिया। इसने इसको तो छोड़ ही दिया, इसको तो कोई नंबर ही नहीं दिया, तो राइट है क्या? आंसर इज नो, दिस इज रॉन्ग आंसर। ओके, अच्छा अब यहाँ पर क्या हुआ है, इज रमास काउंट इज करेक्ट, इज रमास काउंटिंग करेक्ट। तो क्या रमा की काउंटिंग सही है? हमने देखा यश की काउंटिंग तो रॉन्ग है, बट यहाँ पे रमा की काउंटिंग राइट है क्या? सो काउंट करके देखते हैं। इसने इसे फर्स्ट दिया, इसे टू दिया, मतलब इसे वन, इसे टू, एंड इसे थ्री दिया, इसे फोर दिया, फाइव दिया, इसे सिक्स दिया, इसे सेवन दिया, और इसने क्या किया, इसने थ्री को तो फिर से एट का दे दिया नंबर। अभी देखिए इसने इसे थ्री काउंट किया था ना, तो एट को भी इसी का कर दिया। मतलब क्या इसका आंसर राइट है? आंसर इज नो, दिस इज रॉन्ग आंसर। तो ना इसका आंसर राइट है ना इसका। इसने क्या किया, इसने एक को तो छोड़ ही दिया, और इसने क्या किया, इसने एक को दो बार काउंट कर लिया। ठीक है, ये जो येलो वाली बटरफ्लाई है इसने इसको थ्री भी किया काउंट और एट भी काउंट किया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम काउंट करेंगे। आप काउंट करिए ना, आप पहले देखिए आपको आता है क्या। अच्छा ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैजिशियन किंगफिशर आएगा। अब ये क्या बताएगा, मैजिशियन किंगफिशर केम टू देयर हेल्प। फिर मैजिशियन किंगफिशर आया और उसने उनकी हेल्प की, कैसे? He told the butterflies to stay in a line. उसने क्या बोला बटरफ्लाई से, कि एक लाइन में तुम लोग खड़े हो जाओ। आपको भी स्कूल में बोला जाता है ना प्रेयर के टाइम, ओके? तो आपको बोला जाता है कि आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बोला, कि लाइन में खड़े होने के लिए बोला, सबको बोला कि एक लाइन में आओ। इज द काउंटिंग ईजी नाउ, यहाँ पे क्वेश्चन है, इज़ द काउंटिंग ईजी नाउ, तो क्या अब काउंटिंग करने में ईजी हो जाएगा? सो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब हम काउंट करते हैं, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, देर आर सेवन बटरफ्लाइज। हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर देयर, सो देयर आर सेवन बटरफ्लाइज। तो कितने हैं, सेवन है। अच्छा अब हम ऊपर वाला भी काउंट करते हैं, इतने ही बटरफ्लाइज थी पहले भी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और ये इमेजेस इधर भी है, दोनों ने रॉन्ग काउंटिंग की थी। फिर किंगफिशर ने बोला, मैजिशियन किंगफिशर ने बोला, ओ बटरफ्लाइज तुम लोग एक लाइन में आ जाओ, टू स्टे इन अ लाइन, ओ बटरफ्लाइज टू स्टे इन अ लाइन। तो जब ये लाइन में आ जाएगी तो बच्चे इसे ईजिली काउंट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, वॉट इज़ ईजियर, सो चिल्ड्रेन टेल मी वॉट इज़ ईजियर, दिस पिक्चर, दिस पिक्चर और दिस। सो दिस पिक्चर इज सो ईजियर फॉर काउंटिंग, सो ये पिक्चर, एक लाइन में कोई चीज़ रहेगी तो आप उसे ईजिली काउंट कर सकते हो, अगर इस तरीके से इधर उधर रहेगी तो आप एक एक दो मिस कर दोगे, या दूसरे कोई किसी को आप रिपीट काउंट कर दोगे। काउंटिंग चिल्ड्रन वाइल दे आर प्लेइंग और वाइल दे आर स्टैंडिंग इन अ रो। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोला गया है काउंटिंग चिल्ड्रन, यहाँ पे बोला गया है कि अगर बच्चे, वॉट इज़ ईजियर काउंटिंग चिल्ड्रन वाइल दे आर प्लेइंग और वाइल दे आर स्टैंडिंग इन अ रो, बच्चे खेल रहे हैं इधर उधर भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, वो इजी होगा, या बच्चे इस तरीके से एक लाइन में रहेंगे एक रो में रहेंगे वो इजी होगा काउंट करना। टेल मी
वेरी गुड। इस तरीके से अगर रो में इस तरीके से बच्चे खड़े रहेंगे ये इजी रहेगा काउंट करना, हम इजीली काउंट कर सकते हैं कितने बच्चे हैं। बट इतने ही बच्चे अगर हैं इस तरह भाग रहा है, कोई उधर खेल रहा है कोई उधर खेल रहा है, तो हम कैसे काउंट करेंगे, नहीं काउंट कर पाएंगे ना, मतलब ये इजी नहीं रहेगा। और ये रो में रहेगा एक लाइन में रहेगा तो हम इजी रहेगा हमारे लिए, हम उसे इजीली काउंट कर सकते हैं। मेक ग्रुप्स एंड आस्क चिल्ड्रंस टू डिस्कस द अबव पॉइंट। तो यहाँ पे आप अपने अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िए और इसे समझिए और आप भी काउंट करिए। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे आपको नंबर को आपको किस तरीके से मैच करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और नंबर को आपको मैच करना रहेगा, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।